बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। एक्सरसाइज 3.3 और हम क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करेंगे इस लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड ए इनटू ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट एंड ए ट्रांसपोज इनटू ए का डिटरमिनेंट। ये दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है, ठीक है, ए इंटू ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट और ए ट्रांसपोज इंटू ए का डिटरमिनेंट। अच्छा, इसके लिए देखें, क्वेश्चन नंबर नाइन में हमें दो पार्ट्स की बने, ठीक है। तो पहला पार्ट मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। पहले पार्ट में हमें एक मैट्रिक्स की बन है जिसका नाम ए है और उसके एलिमेंट्स मैं लिख देता हूँ 3, 2, -1, 2, 1, 3। ये हमें मैट्रिक्स जो है वो गिवन है जिसका नाम ए है और हमने फाइंड करना है ए इंटू ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज इंटू ए का डिटरमिनेंट, ठीक है। तो यहाँ पर पहले तो हमें जो है डिटरमिनेंट फाइंड करने से पहले हमें ए ट्रांसपोज पता होना चाहिए, ए पता होना चाहिए, ठीक है, और उनका प्रोडक्ट पता होना चाहिए। तो ये सब से पहले भी हमें ए मैट्रिक्स तो चले हमें पता है, ठीक है, ए ट्रांसपोज हमें पता होना चाहिए। तो वो ए ट्रांसपोज हम फाइंड कर लेते हैं। ए ट्रांसपोज क्या होता है कि ए मैट्रिक्स जो हमें गिवन है उसका ट्रांसपोज ले लिया जाए तो ए ट्रांसपोज बन ले जाता है, ठीक है। तो ट्रांसपोज क्या होता है, किस तरह लिया जाता है कि रोज़ को कॉलम्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। जिस तरह से ये रो वन है 3, 2, -1 इसके एलिमेंट्स, ठीक है, रो वन में है। अगर मैं इन एलिमेंट्स को कॉलम में लिख दूँ, पहले कॉलम में, ठीक है, रो वन के एलिमेंट्स को पहले कॉलम में, रो टू के एलिमेंट्स को कॉलम टू में लिख दूँ तो ये ट्रांसपोज बन जाएगा, ठीक है। जिस तरह से मैं ये लिख रहा हूँ 3, 2, -1, 2, 1 और 3, ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया, ठीक है, जो कि ए ट्रांसपोज के इक्वल है। अच्छा, ए ट्रांसपोज हमने फाइंड कर लिया, ए मैट्रिक्स हमें पहले से गिवन है। अब क्वेश्चन में देखें तो हमने फाइंड करना है ए इंटू ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट, ठीक है। डिटरमिनेंट फाइंड करने से पहले हमें इनका प्रोडक्ट चाहिए, ए मैट्रिक्स और ए ट्रांसपोज का, तो वो भी हम फाइंड कर लेते हैं। ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ए मैट्रिक्स हमने पहले लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर, तो मैट्रिक्स भी मैं यहाँ पर जो है लिख देता हूँ जो कि इक्वल होगा 3, 2, -1, 2, 1, 3, और इसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है ए ट्रांसपोज जो कि इसके इक्वल है, वो भी मैं साथ में लिख देता हूँ 3, 2, 2, 1, -1 और 3। अच्छा, अब हमने इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने से पहले हम ये कंफर्म करते हैं कि क्या ये दोनों मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं या नहीं, ठीक है। वो कंफर्म करने के लिए हम किस तरह से कंफर्म करते हैं कि पहले तो इनका ऑर्डर हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बनता है, दो रोज़ हैं, ठीक है, और कॉलम्स कितने हैं, 3 कॉलम्स हैं, तो 2×3 इसका ऑर्डर हो गया। और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3 रोज़ हैं, रो 1, रो 2, रो 3, ठीक है, 3 रोज़ हैं और कॉलम्स कितने हैं, 1 और 2, तो इसका ऑर्डर बन गया 3×2। अच्छा, जो कंडीशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस की कंडीशन क्या होती है कि कब वो मल्टीप्लाई आपस में हो सकते हैं, वो ये थी कि पहले मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं वो ये हैं, ठीक है, वो इक्वल होने चाहिए दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रोज़ के। तो इस केस में जो है 3 है, पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ कॉलम्स 3 हैं और दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रोज़ 3 हैं, ठीक है, दोनों इक्वल हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों जो मैट्रिसेस हैं आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, ठीक है, हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो चलें इसकी जो है प्रोडक्ट का प्रोसीजर फॉलो करते हैं कि जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। पहले हम रो 1 को कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये बनेगा 3 3 9 +2 2 4 +-1 × -1 = +1, तो ये पहला एलिमेंट बन गया। अब जो है पहली रो को हम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 3 2 6 +2 1 2 +-1 × 3 = -3, ठीक है, ये हो गया सेकंड जो है एलिमेंट। अब हम आते हैं सेकंड रो के ऊपर। सेकंड रो को हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, तो ये बनेगा 6, 3 2 3 6
और प्लस 1 2 2 प्लस 3 इंटू माइनस 1 इज माइनस 3। अच्छा सेकंड रो को अब हमने सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये बनेगा 2 2 4 प्लस 1 इंटू 1 इज 1 प्लस 3 इंटू 3 इज 9। तो ये हमारे पास आ गया प्रोडक्ट ऑफ ए मैट्रिक्स एंड ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अच्छा अब इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं, जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं या प्लस हो रहे हैं या माइनस हो रहे हैं उनको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो 9 + 4 इज 13 प्लस 1 इज 14, तो पहला एलिमेंट आ गया 14। 6 + 2 इज 8, 8 - 3 इज 5, ये सेकेंड एलिमेंट बन गया। 6 + 2 इज 8, 8 - 3 इज 5, और 4 + 1 इज 5, 5 + 9 इज 14। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट आ चुका है ए इंटू ए ट्रांसपोज का, ठीक है। अब हमने इसका जो है डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, ठीक है। क्वेश्चन में देखा जाए तो क्या था, फाइंड ए इंटू ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट। यहाँ तक हमने क्या फाइंड किया, ए इंटू ए ट्रांसपोज फाइंड कर चुके हैं, अब हमें इसका डिटर्मिनेंट चाहिए, तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। उसके लिए पहले मैं सिंबल लगा देता हूँ, ए इंटू ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट का सिंबल है, इज इक्वल टू 14 5 5 14 का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड करना है। अच्छा ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है इस वक्त ए इंटू ए ट्रांसपोज, वो है 2 × 2 ऑर्डर का, ठीक है। तो 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स जो है उसका डिटर्मिनेंट किस तरह से फाइंड किया जाता है, कि फर्स्ट एलिमेंट को लास्ट मतलब फोर्थ एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया जाता है, ए डी माइनस बी सी, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और दरमियान में साइन नेगेटिव आएगा, और फिर सेकेंड एलिमेंट को थर्ड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ए डी माइनस बी सी जो सिंपल फार्मूला है वो हम अप्लाई करेंगे, तो ये आएगा 14 × 14 माइनस 5 × 5, ये इक्वल है ए इंटू ए ट्रांसपोज के, ठीक है। अच्छा अब 14 × 14 इज 196 माइनस 5 × 5 इज 25 इज इक्वल टू 171, आ गया हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू। अच्छा अब एक एक पार्ट तो इसका हम सॉल्व कर चुके हैं, मतलब कि हम ये फाइंड कर चुके हैं ए इंटू ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब हम फाइंड करते हैं ए ए ट्रांसपोज इंटू ए का डिटर्मिनेंट, तो इसमें हमारे पास ए ट्रांसपोज होना चाहिए, ए मैट्रिक्स होना चाहिए, और उसका डिटर्मिनेंट हम खुद से फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो फिर पहले उसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे और फिर डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो जैसा कि हम ए ट्रांसपोज पहले से निकाल चुके हैं, ए मैट्रिक्स हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। इन दोनों को यूज़ करेंगे और इनका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। पहले हमने फाइंड किया ए इंटू ए ट्रांसपोज, अब हम फाइंड करेंगे ए ट्रांसपोज इंटू ए, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हमें चाहिए ए ट्रांसपोज इंटू ए, तो इसका प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज किसके इक्वल था, ये मैट्रिक्स है 3 2 2 1 - 1 3, 3 2 2 1 - 1 3, ये हो गया ए ट्रांसपोज। इसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है ए मैट्रिक्स को, ए मैट्रिक्स जो हमें गिवन है 3 2 - 1 2 1 3, 3 2 - 1 2 1 3, वही। अब प्रोडक्ट फाइंड करने से पहले हम चेक करेंगे इनका ऑर्डर, ये है 3 × 2 का मैट्रिक्स और ये है 2 × 3 का मैट्रिक्स, ठीक है। तो जैसा कि इसका जो है नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हैं, इसके नंबर ऑफ रोज 2 हैं, दोनों इक्वल हैं, तो ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, इनका प्रोडक्ट फाइंड किया जा सकता है। तो इनको इनका प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं हम, ठीक है। फर्स्ट रो को हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, ये बनेगा 3 3 = 9 प्लस 2 2 = 4, फर्स्ट एलिमेंट बना। और फर्स्ट रो को आप सेकेंड रो कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, ये बनेगा 6 + 2 1 = 2, और अब फर्स्ट रो को ही थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये बनेगा 3 × -1 इज -3 प्लस 2 3 = 6। अब हम सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे,
ये बनेगा 2 3 ज़ा 6 प्लस 1 2 ज़ा 2। इसी तरह से सेकंड रो को आप सेकंड कॉलम से 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 1 ज़ा 1, और सेकंड रो को थर्ड कॉलम से 2 × −1 = −2 प्लस 3। अब हम थर्ड रो पे आ जाते हैं, थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, −3 प्लस 6, और थर्ड रो को सेकंड कॉलम से अब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा −2 प्लस 3, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम से ही मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा प्लस 1 प्लस 9। ये मैट्रिक्स आ चुका है हमारे पास प्रोडक्ट का, रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो है, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या किस किस का है, ए ट्रांसपोज इनटू ए, ठीक है। तो अब इसका जो है, ये देखें हमारे पास जो मैट्रिक्स आ रहा है वो 3×3 ऑर्डर का है, ठीक है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये बनेगा 9 + 4 = 13, 6 + 2 = 8, ये बनेगा 3 6 2 8, 5 1 3 1 और 10 इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इनटू ए। ये हमारे पास आ चुका है 3×3 का मैट्रिक्स। हमने जो क्वेश्चन में हमें कहा गया है फाइंड करने के लिए ए ट्रांसपोज इनटू ए का डिटरमिनेंट फाइंड करना है, ठीक है। तो ये हम फाइंड करते हैं, अब इसका डिटरमिनेंट फाइंड कर लेते हैं। ए ट्रांसपोज इनटू ए का डिटरमिनेंट फाइंड करना है इज इक्वल टू 13 8 3 8 5 1 3 1 10, इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है। अच्छा, डिटरमिनेंट 3×3 का किस तरह से फाइंड किया जाता है, किसी भी रो से या किसी भी कॉलम से फाइंड किया जाता है, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि रो नंबर 1 से इसको जो है ना एक्सपेंड कर लेते हैं इसके डिटरमिनेंट को, तो ये बनेगा 13 इनटू डिटरमिनेंट किस कौन सा आएगा, ये रो डिलीट हो जाएगी और ये रो और ये कॉलम डिलीट कर दिया, बाकी जो एलिमेंट्स बचे हैं 5 1 1 10, ठीक है। उसके बाद माइनस का साइन, और सेकंड एलिमेंट क्या है 8, सेकंड एलिमेंट है 8, और उसका डिटरमिनेंट आ जाएगा किस किस का आएगा, देखें यहाँ पर हमने 8 के थ्रू करना है अब, ठीक है। तो इस रो को डिलीट कर देंगे, इस कॉलम को डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो डिटरमिनेंट के अंदर आएगा वो होगा 8 1 3 10, उसके बाद प्लस का साइन आएगा, और थर्ड एलिमेंट क्या है 3, ठीक है। और डिटरमिनेंट के अंदर हमारे पास क्या आएगा, इस कॉलम को और इस रो को डिलीट किया तो हमारे पास जो बाकी एलिमेंट्स बचे हैं 8 5 3 1, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 13 × 5 × 50 − 1 − 8 × 80 − 3 प्लस 3 × 8 − 15। अच्छा, 13 × 49 हो जाएगा −8 × 77 प्लस 3 × −7। अच्छा, अब इनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में, ये बन जाएगा 637 − 616 − 21। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो रिज़ल्ट हमारे पास आ जाएगा 0, ठीक है। तो ये हमने जो है फाइंड कर लिया ए ट्रांसपोज इनटू ए का डिटरमिनेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 1 हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया, इसी तरह से इसका पार्ट 2 भी है, ठीक है, वो आप खुद से सॉल्व कर लीजिए। और अब हम क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 भी इजी है, ठीक है। उसमें सिंपल हमने
पहले जो है एक डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, ठीक है। हमें जो है एक मैट्रिक्स गिवन है, कोई सा भी हम मैट्रिक्स ले सकते हैं, जनरल मैट्रिक्स ले सकते हैं। उसके साथ हमने मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, ए मैट्रिक्स है, ठीक है। उसके साथ के को मल्टीप्लाई करना है और उसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है। के जो है कोई सा भी कॉन्स्टेंट हो सकता है। उसको फिर हमने जो है राइट साइड पे के क्यूब इंटू ए डिटर्मिनेंट, ए डिटर्मिनेंट को के क्यूब से मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमने ये शो करना है, ठीक है। शो हम इजीली कर सकते हैं। तो इसका प्रोसीजर ये है कि अगर हमें क्वेश्चन में कहा गया, क्वेश्चन नंबर 10 में, कि आपका आपके पास जो है मैट्रिक्स जो है वो 3x3 का है और स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो मैं ले लेता हूँ 3x3 का मैट्रिक्स A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है। ये एक मैट्रिक्स है हमारे पास, इसको हमने जो है के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। के साथ मैं अगर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, K A11, K A12, K A13, K A21, K A22, K A23, K A31, K A32, K A33, ठीक है। तो ये इसका जो है साथ में, पहले तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, मैट्रिक्स को के साथ किसी भी कांस्टेंट के साथ। तो मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करने का मकसद मतलब ये होता है कि हर एक एलिमेंट के साथ वो कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो अगर उसका जो है हमें डिटर्मिनेंट कहा गया, देखें इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, अगर मैं इसके जो है साइंस जो है ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ब्रैकेट जो हटा कर ये डिटर्मिनेंट का साइन डाल देता हूँ, ठीक है। अब देखें, अब इस डिटर्मिनेंट के केस में क्या होता है कि अगर मैं देखें रो वन में से के कॉमन लेता हूँ, किसी एक रो या किसी एक कॉलम में से हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो रो वन में से मैं कॉमन लेता हूँ तो क्या होगा, के इंटू A11, A12, A13, K A21, K A22, K A23, K A31, K A32, K A33, ठीक है। सिर्फ मैंने रो वन में से K को कॉमन लिया। तो इसी तरह से मैं अब सेकेंड रो में से भी कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। तो सेकेंड रो में से कॉमन आएगा, पहले से जो मौजूद है के वो, और साथ में सेकेंड रो में से जो के में कॉमन ले रहा हूँ वो साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो भी बाहर आएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा A11, A12, A13, A21, A22, A23, K A31, K A32, K A33, ठीक है। अब मैंने जो है रो टू में से भी कॉमन ले लिया। इसी के साथ साथ अब हम रो थ्री में भी देखें तो के कॉमन आ रहा है, तो उसमें से भी कॉमन ले लेते हैं। तो ये बन जाएगा के पहले से मौजूद है, ये वाला के भी पहले से मौजूद है, और रो थ्री में से जो कॉमन आएगा वो भी साथ बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास अंदर मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, क्योंकि थर्ड रो में से भी के बाहर कॉमन जा चुका है, ठीक है। तो के को आपस में इनको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, के क्यूब, और साथ में डिटर्मिनेंट आ रहा है ये वाला, ठीक है। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है। तो ये देखें, ये जो मैट्रिक्स हमने लिया था इसका नाम हम लेट्स सपोज ए रख लेते हैं, ठीक है। ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू, या के ए मैट्रिक्स जो है वो इक्वल टू दिस है, ठीक है। तो मतलब कि ए के साथ हम के को मल्टीप्लाई करें, ये मैट्रिक्स हमने ए लिया था, ठीक है। तो उसका डिटर्मिनेंट का मतलब क्या है, ए का डिटर्मिनेंट, तो ये ए का डिटर्मिनेंट आ गया इंटू के क्यूब आ गया, ठीक है। तो लेफ्ट साइड क्या थी,
लेफ्ट साइड हमारे पास थी k इंटू ए डिटर्मिनेंट, ठीक है, k इंटू ए डिटर्मिनेंट। बल्कि के ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है, ये जिस तरह से ये है के इंटू ए डिटर्मिनेंट, ये है हमारे पास, तो ये लेफ्ट साइड है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। तो इसको हम लेकर आगे चले, तो हमने सॉल्व करके देखा, कॉमन लिया, ठीक है, तो उसके बाद हम राइट साइड के इक्वल आ चुके हैं, इज इक्वल टू, ये क्या है, राइट हैंड साइड है, राइट साइड में क्या है, के क्यूब इंटू ए का डिटर्मिनेंट। तो यही हमने प्रूव करना था, यही हमने इस क्वेश्चन में शो करना था, ठीक है। तो ये हम क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व कर चुके हैं, तो यहाँ पर लेक्चर को ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर से हम क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करेंगे।